वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ लैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 टाइप ऑफ इंजेक्शंस की बात करेंगे, वो कौन कौन से मेजर टाइप ऑफ इंजेक्शंस होते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके हाथ में जो दवाई जो होती है जो दी जाती है वो आपकी वेंस में दी जाती है, या फिर काफ़ी बार ब्लड भी जो होता है आपकी वेंस से निकाला जाता है। इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है जो आप देखते हैं कि ब्लड जो है आपकी जो हाथ से निकाला जाता है, आपके हाथ में इस तरीके से आपकी जो बाँह से जो निकाला जाता है, वाले जो इंजेक्शंस होते हैं ये इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं आपकी जो डर्मिस रीजन्स होती है, मतलब जो सेकेंड लेयर होती है उसके अंदर जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर जो डायरेक्टली इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जो इंजेक्शन क्या क्यों दिए जाते हैं? फास्ट एक्शन के लिए, जिससे आपके दवा जो है वो आपके सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जल्दी जा सके, जल्दी काम कर सके, क्योंकि वेन्स का डायरेक्टली हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है और हार्ट में कनेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जिसका सर्कुलेशन में जल्दी आती है, क्विक एक्शन होता है। ये जो होता है आपकी जो ड्रिप वगैरह भी चढ़ती है, तो ड्रिप में भी क्या होता है कि जो वेन्स में ही जो होती है आपकी दवाई जो होती है दी जाती है, और इंजेक्शंस वगैरह जो वेन के जरिए होता है। ये जो आप जो बटरफ्लाई नीडल्स, इस तरीके की जो नीडल्स होती हैं वो वेन्स में आपको डायरेक्टली लगाई जाती हैं। दूसरा होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि आपकी जो इंजेक्शन है वो आपकी मसल्स के अंदर दिए जाते हैं। ये जो मसल्स होती है जो चौथी लेयर होती है, तो मांसपेशियां वहां तक दी जाती है। तो ये जो होता है, इस तरीके के जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे हमने नीडल्स की बात करी, तो इसके क्या होता है कि 1 इंच तक की इसकी जो नीडल होती है, और गेज भी इसका जो होता है 18 से 22 के बीच में इसका गेज वगैरह होता है। IM इंजेक्शन का उपयोग अक्सर टीकों का और अन्य दवाइयों के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि IM इंजेक्शन में क्या होता है कि जो दवाई भी जो होती है वो मांसपेशियों तक जाती है, तो इसका जो बट जो एक्शन होता है थोड़ा सा जो होता है एज कम्पेयर टू IV वो थोड़ा डिले होता है। तीसरा जो इंजेक्शन होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस तो जो आपकी स्किन की जो तीसरी लेयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पर ये होती है, मतलब ये मतलब फैटी टिश्यू में दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन सबसे आम होते हैं और अक्सर इन दवाओं के लिए इनको किया जाता है, तो लंबे समय तक उन दवाओं के लिए जिसमें लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है, जैसे कोगुलेशन वगैरह होती है, हेपरिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह होते हैं, या इंसुलिन वगैरह जो होते हैं, या ब्लड को कोगुलेशन डिसऑर्डर के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन ये जो होते हैं जो आपकी जो एपिडर्मिस रीजन्स होती है उसके अंदर ये दिए जाते हैं, जैसे मैंटुक्स टैक्स है या टीके वगैरह जो होते हैं वो जो होते हैं इस वाली लेयर में एपिडर्मिस रीजन्स में दिए जाते हैं। अगला जो होता है इंट्राओसियस IO इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शन होते पैरों या बोन मैरो में दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरों या बोन मैरो में। ऐसा इसलिए किया जाता है जब IM, IV या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना थोड़ा टफ हो जाता है, उस कंडीशन में IO इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है इंट्रापेरिटोनियल IP इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होते हैं जो पेट के अंदर जो पेरिटोनियम लेयर्स होती है वहाँ पे इनका किया जाता है, जैसे जनरली इसमें काफ़ी बार कीमोथेरेपी दवाइयों को के लिए भी किया जाता है, या काफ़ी बार जो जैसे आपने देखा पेट में बहुत सारे और भी इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है इंट्रा आर्टिकुलर IA। ये इंजेक्शन जो होते हैं एक जोड़ में दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कार्टिलेज होती है दोनों बोन के बीच में, तो उसमें दिए जाते हैं। जनरली जोड़ों के दर्द से गठिया है, आर्थराइटिस वगैरह, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होते हैं ये रीढ़ की हड्डी में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें किए जाते हैं। काफ़ी बार जिनको डिस्क में बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम्स होती है उसमें होता है। उसके अलावा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के केसेस में डिलीवरी के से पहले भी क्या होता है एनेस्थीसिया के लिए इस तरीके का इंजेक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं रीढ़ में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइंग पोजीशन होगी या सिटिंग पोजीशन होगी, तो उस हिसाब से ऐसे दिए जाते हैं। अगला जो इंजेक्शन होता है नर्व ब्लॉक इंजेक्शन, मतलब ये इंजेक्शन जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है या सर में दर्द है, तो दर्द को तुरंत कंट्रोल करने के लिए ऐसे नर्व ब्लॉक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला होता है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। ट्रिगर पॉइंट मतलब एक जगह पर एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में जहाँ से ट्रिगर होता है वहाँ पर ये डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है क्विक रिलीफ इसमें मिल सके।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मसल है, ट्रिगर पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन जो होते हैं डायरेक्टली दे दिए जाते हैं। इंजेक्शन देते वक्त और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे IM इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, सबस्क्यूटेनियस जो है 45 डिग्री पे होना चाहिए, इंट्रावेनस जो है वो 25 डिग्री और इंटरडर्मल 10 से 15। तो इसमें जो एंगल का भी जो होता है काफ़ी जो होता है बहुत अहम योगदान होता है। आपके डॉक्टर्स या जो आपके नर्सिंग स्टाफ है या फ्लेबोटॉमिस्ट है जब भी आपको इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं या ब्लड लेते हैं तो वो जो है इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।